वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। वैसे तो सलमान खान की फिल्म तेरे नाम तो आपको याद ही होगी। साल 2003 में ये फिल्म रिलीज हुई, जिसमें सलमान खान ने राधे मोहन का किरदार निभाया था। फिल्मी पर्दे पर सलमान खान के इस रोल को काफ़ी पसंद किया गया था। हालांकि सलमान खान का लुक इस फिल्म में काफ़ी अलग था और उनका अंदाज भी हर किसी को पसंद आया। तो अब इस फिल्म को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब खबर आ रही है कि इस फिल्म का सीक्वल भी आ सकता है। जैसे कि आपको बता दें कि सतीश कौशिक मिड डे दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके दिमाग में फिल्म के सीक्वल को लेकर कई सारी कहानियाँ हैं, बस एक बार सलमान खान से बात होना बाकी है। उन्होंने कहा, पुरानी फिल्म में राधे मोहन का किरदार में पहलियों पर कई तरह से फिल्म बनाई जा सकती है। अगर नई फिल्म बनने का प्लान आगे बढ़ता है तो यह वहीं से बनेगी जहां पर पुरानी तेरे नाम खत्म हुई थी। वह आगे बताते हैं कि उनके पास फिल्म को लेकर कई सारी कहानियां हैं जिनसे फिल्म अपने सीक्वल पे आगे बढ़ सकती है। खैर, आपको बता दें कि तेरे नाम फिल्म कई मामलों में खास रही। इस फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की, वहीं इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस फिल्म के हिट होने के साथ ही सलमान खान की हेयर स्टाइल भी खूब पॉपुलर हुई। कई लड़कों ने तेरे नाम हेयर स्टाइल कराई। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।